अपनी गाड़ी में व प्राइवेट गाड़ियों में डाल करके प्राथमिक उपचार के लिए सीएच तलाई भिजवाया जो जिनका उपचार चल रहा है। वक्त रहते भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और उसके बाद से हम प्रचार में लगे हैं तथा प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों का दौरा पिछले 12 दिनों में किया जा चुका है व पूरे भारत में भाजपा प्रचंड लहर है, वैसी ही प्रदेश भाजपा की भी है और निश्चित तौर पर पिछले लोकसभा चुनावों से ज्यादा जीत का आंकड़ा रहेगा। प्रदेश की चारों सीटों पर भाजपा एक बार पुनः से अपना परचम लहराएगी, ये कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे पालमपुर में। वक्त रहते भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी और उसके बाद से हम प्रचार में लग गए हैं तथा प्रदेश के 4 लोकसभा सीटों का दौरा पिछले 12 दिनों से किया है वो पूरे भारत में भाजपा प्रचंड लहर, वैसे ही प्रदेश भाजपा की है और निश्चित तौर पर पिछले लोकसभा चुनावों से ज्यादा जीत का आंकड़ा होगा। प्रदेश चारों सीटों पर भाजपा को विजय मिलेगी, ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पालमपुर में कही। अनिल शर्मा को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हम अनिल को भाजपा का सदस्य मानते हैं, भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और कार्य व प्रचार भी भाजपा के लिए करना होगा, उनको परिवार से हटकर पार्टी के लिए कार्य करना होगा, ये बात उनसे हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अनिल शर्मा खुद तय करें कि उन्हें क्या करना है, अगर परिवार के लिए कार्य करना है तो मंत्रिमंडल तथा भाजपा से भी जाना होगा, विधायक तभी है जब बीजेपी में है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा बहुत मजबूत है, अनिल शर्मा के बिना भी पार्टी कार्यकर्ता के रूप में अपने दायित्व को नहीं निभा पा रहे हैं, अगर परिवार के लिए कार्य करते हैं तो भाजपा की सदस्यता खुद खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने समय रहते ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी और उसके बाद हम चुनाव प्रचार में शुरू हो चुके थे। अभी मेरा कांगड़ा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये दूसरा राउंड चल रहा है। मैं हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा क्षेत्र का दौरा करके आया हूं और लगभग 12 दिन का ये दौरा जहां जहां भी हुआ मैं कह सकता हूं कि बहुत प्रचंड लहर है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की, जो पूरे देश भर में है वो हिमाचल प्रदेश में भी है और निश्चित रूप से परिणाम इसका ये होगा कि हम चारों की चारों सीटें अब की बार पिछले अंतर से और ज्यादा वोटों से जीतने वाले हैं। सर अनिल शर्मा को लेकर कहीं ना कहीं जितने धर्म संकट में अनिल शर्मा खुद हैं उतने ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी, आप इसको कैसे देखते हैं, कब तक उभरेंगे सर इस धर्म? देखिए हम कतई भी धर्म संकट में नहीं है, जो कार्य हुआ है धर्म संकट में होने का वो वहां से हुआ है, हमारे यहाँ से नहीं हुआ है। हमारी तरफ से बड़ा साफ और स्पष्ट है कि हम उनको भाजपा का सदस्य मानते हैं अभी, क्योंकि भाजपा के सदस्य होने के नाते उनने पार्टी का टिकट लिया था, चुनाव लड़ा था और चुनाव जीते थे और इसलिए विधायक होने के साथ साथ वो मंत्रिमंडल में मेरे साथ सहयोगी हैं। जो हमारा संविधान कानून सारी व्यवस्थाएं चुनाव आयोग के प्रावधान उसके अनुसार उनको भाजपा के लिए काम करना है और भाजपा के लिए प्रचार करना है। हमने उनसे कहा है कि आप आइए भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करिए, ये परिस्थिति देश में कई जगह इस प्रकार से पहले भी हुई है और ऐसी परिस्थिति में आप अपने आप को परिवार से थोड़ा हट करके पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए निकलिए। अब देखते हैं, अब बात हमने उन तक पहुंचाई है, उसके बाद उनमें क्या करना है वो निर्णय उनको करना है। लेकिन अनिल शर्मा तो ये कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री साहब मांगते हैं तो वो दे देंगे और मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि अगर वो स्वेच्छा से इस्तीफा देते तो हम स्वीकार करते हैं। मेरा सिर्फ बड़ा साफ इसमें कहना है, वो अपने आप में तय करें कि उनकी भूमिका क्या है, इसमें वो अपने आप को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके कामकाज पर वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उस पर जो है निर्भर करता है हमारा एक्शन अगला, और ऐसी परिस्थिति में निर्णय उनको करना है। अगर परिवार के सदस्य के लिए काम करना है तो पार्टी के सदस्य से और मंत्रिमंडल से भी जाना पड़ेगा और यहाँ तक कि विधानसभा से भी जाने की नौबत आएगी सर, क्या और ऐसी परिस्थिति में उनको निर्णय करना, वो दुविधा में अपने आप हैं। सिर्फ मंत्रिमंडल का विषय नहीं है, पर मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने या मंत्रिमंडल से बर्खास्त होने के बावजूद भी
जो हमारी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार वो तब भी पार्टी के विधायक के रूप में होंगे ही, और विधायक के रूप में तब तक के लिए जब तक के लिए वो भारतीय जनता पार्टी में है। सर, भाजपा ने कहीं ना कहीं जो 75 साल के जितने भी नेता थे उनको एक तरह से रिटायर ही कर दिया है टिकट की राजनीति से, जबकि माननीय शांता जी ये कह रहे हैं कि बतौर लेखक वो नहीं मानते कि किसी नेता की उम्र जो है वो 75 साल के बाद जो है वो संन्यास लेने वाली हो जाती है। देखिए, इस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं है। पार्टी के नेतृत्व ने निर्णय किया, क्या निर्णय किया है, क्या सोच के निर्णय किया, चर्चा करने के बाद विचार करने के बाद निर्णय लिया, इसलिए उचित नहीं है। देखिए, बिल्कुल नहीं, भाजपा बहुत सशक्त है, मजबूत है। उस सीट को हम उस सूरत में भी जीतने वाले थे, अगर वो नहीं भी होते हमारी पार्टी में तब भी हमने जीतना ही था। परंतु सर, ना वो पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं और ना पार्टी के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि जो पार्टी के सदस्य के रूप में, विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में उन्हें जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए था उससे वो पीछे हट रहे हैं? निश्चित रूप से पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो उनको दायित्व का निर्वहन करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं। तो सर, क्या अनिल शर्मा जी अपने बेटे के पक्ष में प्रचार करते तो क्या पार्टी उनसे रिजाइन लेगी? अगर अपने बेटे के पक्ष में प्रचार करते हैं तो रिजाइन लेने की नौबत नहीं, उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी विधानसभा की। देखिए, ये सारी बातों का कोई अभिप्राय नहीं है। स्वाभाविक रूप से देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, देश के हमारे नेता मोदी जी हैं, उनका जिक्र हो गई है, प्रदेश में सरकार है, मुख्यमंत्री का नाम का जिक्र हो गई होगा, और ऐसे में एक सांसद के नाते जो कैंडिडेट हैं उनके नाम का भी जिक्र होता है, उनने भी काम किए होते हैं, तो सब सारी बातों को लेकर के सामूहिक रूप से हम काम करने। अपने परिजन के कारण डिजिटल बाबा के नाम से सोशल मीडिया में मशहूर युवा सन्यासी